Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 2 Rikki Tikki and Nag of your new English fairy book. This is given on page number 21. Let's start with warm up exercise. Why do you think people keep pets? आपको क्यों लगता है कि लोग घर में पालतू जानवर क्यों रखते हैं? Discuss in pairs and then share your answers with the class. आपको पेयर में डिस्कस करना है और फिर अपना आंसर क्लास में बाकी बच्चों के साथ शेयर करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. रिक्की टिक्की तवी इज अ शॉर्ट स्टोरी इन द जंगल बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. रिक्की टिक्की तवी रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी किताब द जंगल बुक की एक छोटी सी कहानी है. रिक्की टिक्की तवी वॉज अ बेबी मोंगूज. रिक्की टिक्की तवी एक छोटा सा नेवले का बच्चा है. हु वॉज वॉश्ड अवे इन अ फ्लड जो बाढ़ में बह गया था. ही वॉज टेकन इन बाय टेडी एंड हिज पेरेंट्स जिसे टेडी और उसके माता पिता ने ले लिया. अ ब्रिटिश फैमिली रिसाइडिंग इन इंडिया जो ब्रिटिश परिवार था भारत में रहता था. ही वॉज टू सेव द फैमिली फ्रॉम ऑल डेंजर्स और उस मोंगूस ने कसम खाई थी, उस नेवले ने कसम खाई थी कि वो परिवार को आने वाले हर खतरे से बचाएगा. लेट्स रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू रिक्की टिक्की इन दिस फाइनल बैटल अगेंस्ट द माइटी नाग. आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि रिक्की टिक्की को क्या हुआ जब उसने ताकतवर नाग के साथ अंतिम युद्ध लड़ा. रिक्की टिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक राउंड द हाउस. रिक्की टिक्की रात को सैर करने के लिए घर में गया. एंड इन द डार्क ही रैन इनटू द चुचुंद्रा और रात को अंधेरे में वो चुचुंद्रा में चला गया. द मस्करट क्रीपिंग राउंड बाय द वॉल और वो क्या कर रहा था, पूरे घर की दीवार पर चक्कर लगा रहा था, क्रीप कर रहा था, रेंग रहा था. चुचुंद्रा इज अ ब्रोकन हार्टेड लिटिल बीस्ट. चुचुंद्रा क्या है, एक ब्रोकन हार्टेड लिटिल बीस्ट, छोटा सा एक वो जानवर है. ही विम्पर्स एंड चीप्स ऑल नाइट और वो सारी रात आवाजें निकालता है और घूमता है सारे घर में. ट्राइंग टू मेक अप हिज माइंड टू रन इन टू द मिडल ऑफ द रूम और हर बार उसकी ये कोशिश होती है कि वो घर के कमरे के बीच में चला जाए. बट ही नेवर गेट्स देयर लेकिन वो वहाँ कभी नहीं जाता. अब रिक्की टिक्की घर के चक्कर लगा रहा है रात को और उसे वहाँ मिलता है चुचुंद्रा मस्करट. अब वो क्या कहता है, डोंट किल मी रिक्की टिक्की, डोंट किल मी रिक्की टिक्की, मुझे मत मारो. फ्राइटेंड वो डरा हुआ है. अब रिक्की टिक्की, डू यू थिंक अ स्नेक किलर किल्स मस्करट स्कॉर्नफुली, बहुत ही घृणापूर्वक कहता है रिक्की टिक्की कि क्या तुम्हें लगता है कि एक सांप को मारने वाला तुम्हें मार सकता है. दोज हु किल स्नेक्स गेट किल्ड बाय स्नेक्स. अब वो मस्करट क्या कह रहा है, वो जो सांप को मारते हैं वो सांपों द्वारा ही मारे जाते हैं. सॉरोफुली दुख से कहता है, एंड हाउ कैन आई बी श्योर दैट नाग वोंट मिस्टेक मी फॉर यू सम डार्क नाइट और मैं ये कैसे यकीन करूं कि किसी दिन नाग मुझे तुम्हारी जगह पर सोच करके मार डालेगा. वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मैं नहीं तुम ही हूँ और तुम्हारी जगह वो मुझे मार डालेगा किसी रात अंधेरे में. देयर्स नॉट द लीस्ट डेंजर. अब रिक्की टिक्की कह रहा है ये ज़्यादा खतरे की यहाँ बात नहीं है. नाग इज इन द गार्डन. नाग तो अभी बगीचे में है. एंड आई नो यू डोंट गो देयर और मुझे पता है कि तुम वहाँ नहीं जाते. आई मस्ट नॉट टेल यू एनीथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहिए. कैंट यू हियर रिक्की टिक्की, क्या तुम खुद सुन नहीं सकते रिक्की टिक्की. रिक्की टिक्की लिसन्ड, रिक्की टिक्की ने सुना. द हाउस वॉज वेरी स्टिल बट ही थॉट ही कुड जस्ट कैच द फेंटेस्ट स्क्रैच स्क्रैच ऑफ अ स्नेक्स स्केल्स ऑन ब्रिक वर्क. घर में बहुत शांति थी और रिक्की टिक्की ने सोचा कि वो बाहर जा करके वो स्नेक जो ईंटों पर स्क्रैच स्क्रैच कर रहा है उसको जा करके पकड़ सके.
दैट्स नाग और नगीना। अब वो आवाज़ जो स्क्रैच स्क्रैच करने की आ रही थी वो नाग या नगीना थे। एंड ही इज क्रॉलिंग इन टू द बाथरूम स्लूज। और वो कहाँ आ रहे थे? वो बाथरूम के स्लूज से, बाथरूम की नाली से वो रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। ये रिक्की टिक्की ने आवाज सुनी। ही स्टोल ऑफ टू टेडीज बाथरूम बट देयर वॉज नथिंग देयर। और उसने चुपके से जाके टेडी के बाथरूम में देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ही देन वेंट टू टेडीज मदर्स बाथरूम वेयर ही हर्ड नाग एंड नगीना विस्परिंग टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट। और फिर रिक्की टिक्की टेडी की मम्मा के बाथरूम में गया जहाँ उसने नाग और नगीना को बाहर चंद्रमा की रोशनी में आपस में फुसफुसाते हुए सुना। नगीना गो इन क्वाइटली, नगीना कहती है कि चुपचाप अंदर जाओ। एंड रिमेंबर टू फर्स्ट बाइट द बिग मैन, और याद रखना कि सबसे पहले बिग मैन को मारना। व्हेन यू आर डन, जब तुम ऐसा कर लोगे, कम आउट एंड टेल मी, बाहर आकर मुझे बताना। एंड वी विल हंट फॉर रिक्की टिक्की टुगेदर, और फिर हम दोनों मिलकर रिक्की टिक्की का शिकार करेंगे। नाग बट आर यू श्योर दैट देर इज एनीथिंग टू बी गेन्ड बाई किलिंग द पीपल, नाग कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि लोगों को मारकर हमें कुछ मिलेगा। एवरीथिंग सो लॉन्ग एज द बंगलो इज एम्प्टी, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग, जब तक बंगलो खाली है। वी आर किंग एंड क्वीन ऑफ द गार्डन, हम इस बगीचे के राजा और रानी हैं। एंड रिमेंबर दैट एज सून एज आवर एग्स इन द मेलन बेड हैच, और याद रखो कि जब तक हमारे अंडे हैच होंगे उसमें से बेबी निकलेंगे, जो अभी कहाँ पे हैं, मेलन बेड में हैं, तरबूज के खेत में हैं। तो जब तक हमारे अंडे हैच होंगे आवर चिल्ड्रन विल नीड रूम एंड क्वाइट, हमारे बच्चों को अंडे से निकलने के बाद कमरा और साथ ही साथ शांति की ज़रूरत होगी। आई हैडन्ट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। आई किल द बिग मैन एंड हिज वाइफ, मैं बिग मैन और साथ ही साथ उसकी पत्नी को मार दूंगा। एंड द चाइल्ड इफ आई कैन, और बच्चे को भी मार दूंगा अगर मैं मार सका तो। एंड कम अवे क्वाइटली, और चुपचाप बाहर आ जाऊंगा। देन द बंगलो विल बी एम्प्टी, और फिर सारा बंगलो खाली हो जाएगा। एंड रिक्की टिक्की विल हैव टू गो, और रिक्की टिक्की को फिर जाना पड़ेगा। नाग्स हेड केम थ्रू द स्लूज एंड हिज 5 feet ऑफ कोल्ड बॉडी फॉलोड इट। अब उस नाली से तब तक नाग का सिर बाहर आ गया और उसके पीछे उसकी 5 feet की बॉडी, उसका 5 feet का शरीर भी आ गया। एंग्री एज ही वॉज, वो गुस्से में था। रिक्की टिक्की वॉज फ्राइटेंड, रिक्की टिक्की डर गया। वेन ही सॉ द साइज ऑफ द बिग कोबरा, जब उसने इतने बड़े कोबरे का आकार देखा, साइज देखा, तो रिक्की टिक्की डर गया। वॉट एम आई टू डू, मुझे क्या करना चाहिए? If I kill him here, अगर मैं इसे यहाँ मारता हूँ, नगीना will know, तो नगीना को पता चल जाएगा। But if I fight him out in open, लेकिन अगर मैं इसे बाहर खुले में इससे लड़ाई करता हूँ, the odds will be in his favor, तो हालात इसके पक्ष में होंगे। नाग waved to and fro, अब नाग जब उसमें से निकला तो उसने आगे और पीछे वो हिला। देन रिक्की टिक्की हर्ड हिम ड्रिंकिंग फ्रॉम द वॉटर जार दैट वॉज यूज टू फिल द बाथटब, और फिर वो जार जिससे बाथटब में पानी भरा जाता था, रिक्की टिक्की ने सुना कि नाग ने उसमें से पानी पिया। नाग को पानी पीते हुए रिक्की टिक्की ने सुना। नाग रैप्ड हिमसेल्फ कॉइल बाय कॉइल राउंड द बॉटम ऑफ द वॉटर जार, और नाग ने उस पानी के जार के चारों तरफ अपने आप को गोल गोल घुमा दिया। एंड रिक्की टिक्की स्टेड स्टिल एज डेथ, और ये सब रिक्की टिक्की बिल्कुल ऐसे स्थिर होकर देखता रहा जैसे कि कोई मरा हुआ हो। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, रिक्की टिक्की बिगैन टू मूव, रिक्की टिक्की ने हिलना शुरू किया।
इंच बाय इंच थोड़ा थोड़ा हिला वो टुवर्ड्स द जार, जार की तरफ बढ़ने लगा इंच बाय इंच. नाग वॉज अस्लीप, नाग सो गया था. एंड रिकी टिकी वॉन्डर्ड वेयर वुड बी द बेस्ट प्लेस टू गेट अ गुड होल्ड. और रिकी टिकी सोच रहा था कि कौन सी सबसे अच्छी जगह होगी जहां से मैं इसको पकड़ लूं. इफ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट द फर्स्ट जंप ही विल फाइट. वो सोचता है कि अगर मैंने पहले ही छलांग लगाकर पहले ही इसकी गर्दन एक ही बार में नहीं पकड़ ली तो ये मुझसे लड़ाई करेगा. एंड इफ ही फाइट्स ओ रिकी, और अगर ये लड़ाई करेगा तो ओ रिकी, क्योंकि रिकी छोटा सा मोंगूस है और नाग एक बड़ा सा 5 फीट लंबा कोबरा है. He looked at the thickness of the neck below the hood. और उसने उसकी गर्दन के नीचे जो उसका गला था उसकी मोटाई देखी. But that was too much for him. अब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थी. And a bite near the tail would only make Nag angry. और वो सोचता है कि अगर मैं उसकी पूंछ के पास काटू तो ये केवल उसको गुस्सा कर पाएगा, उसको मार नहीं पाएगा. इट मस्ट बी द हेड, ये सिर ही होना चाहिए. द हेड अबव द हुड, गर्दन के ऊपर जो उसका सिर है. एंड वंस आई एम देयर आई मस्ट नॉट लेट गो, और एक बार अगर मैं वहां पहुंच गया तो फिर मैं इसे जाने नहीं दूंगा. देन रिकी टिकी जम्प्ड, और फिर रिकी टिकी ने जंप कर दिया, छलांग लगा दी. द हेड वॉज लाइंग अ लिटिल क्लियर ऑफ द वॉटर जार, और सिर उसका कहाँ था, वॉटर जार के ऊपर था. रिकी टिकी बिट डाउन विद ऑल हिज माइट, रिकी टिकी ने उसे पूरे जोर लगा करके काटा. एंड ब्रेस्ड हिज बैक अगेंस्ट द जार टू होल्ड डाउन द हेड, और उसने उसकी गर्दन को जार की तरफ जोर से धक्का दे दिया जिससे कि वो उसके सिर को पकड़ सके. दिस गेव हिम जस्ट 1 सेकेंड्स परचेज एंड ही मेड द मोस्ट ऑफ इट, और ये सब करने में उसे केवल 1 सेकेंड का वक्त लगा, उसने एक ही सेकेंड में काफी काम कर लिया. रिकी टिकी वॉज बैटर्ड टू एंड फ्रो लाइक अ रैट शेकन बाय अ डॉग. रिकी टिकी को नाग ने मारा आगे और पीछे, और उसे इतना हिलाया जैसे कि एक कुत्ता जब चूहे को पकड़ लेता है तो उसे जोर से शेक करता है, ऐसे ही नाग ने किया रिकी टिकी को. अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, बैक एंड फोर्थ ऑन द फ्लोर, जमीन पर आगे और पीछे, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे. एंड अराउंड इन ग्रेट सर्कल्स, और गोल गोल घेरे में उसे खूब घुमाया. हिज आईज वर रेड, उसकी आंखें लाल हो गई थी. बट ही हेल्ड ऑन एज हिज बॉडी वॉज कार्ड विप्ड ओवर द फ्लोर, लेकिन उसने फिर भी नाक को जोर से पकड़ रखा था जैसे कि जो जानवरों से चलने वाली गाड़ी होती है वो जमीन पर चलती है. अ हॉट विंड नॉक्ड हिम सेंसलेस एंड रेड फायर साइंड हिज फर, एक गर्म हवा ने उसे बेहोश कर दिया और लाल रंग की आग ने उसके सारे बालों को जला दिया. द बिग मैन हैड बीन वेकन्ड बाय द नॉइज, बिग बैंग ये सारी आवाज सुनकर उठ गए थे. एंड हैड फायर्ड बोथ बैरल्स ऑफ अ शॉटगन इनटू नाग, और उन्होंने अपनी गन से दोनों बैरल्स किस पर शूट कर दिए थे, नाग पर शूट कर दिए थे. ही वॉज डिजी, वो डिजी था, बेहोश था, एकिंग, उसे दर्द हो रहा था. एंड फेल्ट शेकन टू पीसेस व्हेन समथिंग वेंट ऑफ लाइक अ थंडर क्लैप जस्ट बिहाइंड हिम, और उसे लग रहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं जब किसी के गरजने की आवाज उसे अपने पीछे सुनाई दी. रिकी टिकी हेल्ड ऑन विद हिज आईज शट, रिकी टिकी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी. फॉर नाउ ही वॉज क्वाइट श्योर ही वॉज डेड, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो मर चुका है. बट द हेड डिड नॉट मूव, लेकिन उसका सिर नहीं हिला. एंड द बिग मैन पिक्ड हिम अप, और बिग मैन ने उसे उठा लिया.
इट्स द मोंगूज अगेन एलिस, और वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये फिर से ये मोंगूज है, नेवला है। द लिटिल चैप हैज सेव्ड आवर लाइव्स दिस टाइम, इस छोटे से बच्चे ने इस बार हमारी जान बचा ली है। सो दिस वॉज द स्टोरी टेकन फ्रॉम द नॉवल द जंगल बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन चिल्ड्रंस प्रेस ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइबिंग अ चैनल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सी यू सून, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।